उल्हासनगरात मोहिनी पॅलेस दुर्घटनेनंतर पाठोपाठ साई शक्ती इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याची घटना घडली, ज्यात 7 जणांचा मृत्यू ओढवल्याचं वृत्त आहे। रात्री 9:30 सुमारास 5व्या मजल्याचा स्लॅब खालच्या मजल्यांचे स्लॅब भेदत तळमजल्यापर्यंत आला। या दुर्घटनेत 7 जणांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येतंय। मृतांमध्ये एका मुलीचा समावेश आहे। आमदार कुमार ऐलानी यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य सुरू केलंय। महापालिकेचे अग्निशमन जवान, ठाणे आपत्ती निवारण तसंच राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाचे जवान घटनास्थळी कार्यरत आहेत। कोसळलेला स्लॅब आणि त्यामुळे पडलेले भगदाड वगळता इमारत उभी आहे, त्यामुळे इमारतीच्या इतर भागातील लोक बचावले आहेत। इमारतीत 29 फ्लॅट असून दुर्घटनेवेळी 60 लोक इमारतीत असावेत असा अंदाज व्यक्त केला जातोय। पर बिल्डर ने वो बीच का पोर्शन को वेल्डिंग अगर बरोबर से न किया या जो न हुआ या इस पर आर्किटेक्ट को दिखा के काम नहीं किया तो बीच का पोर्शन का स्लैब गिर जाता है, जिसके वजह से आज ये जो किस्सा दिखने को मिल रहा है वो वैसे ही है कि स्लैब का स्लैब बीच का पोर्शन बीम लगे हुए हैं। मैंने अभी देखा बीम चारों तरफ से हैं। आज जो साई शक्ति पैलेस की जो इमारत का स्लैब गिरा, जो पिछले 10 दिन पहले जैसा बिल्डिंग का स्लैब गिरा था उसी प्रकार ये यहाँ पे आज स्लैब गिरा है। उसमें 5 लोग यहाँ से निकाल के सेंट्रल हॉस्पिटल भेजे गए हैं, अभी उनकी रिपोर्ट आई नहीं है। हमने हमेशा सरकार से ये मांग की है कि जितनी भी धोखादायक बिल्डिंग है उनको रीडेवलपमेंट की परमिशन दी जाए।